नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोरोना के चलते एक वर्ष तक ट्रेनें पूरी तरह बंद रही, लेकिन अब धीरे धीरे सावधानी और नियमों की सतर्कता के पहलुओं को ध्यान देते हुए ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। वहीं धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सभी यात्री रिजर्वेशन कराने पर यात्रा कर पा रहे हैं। रेलवे ने अभी तक नियमित यात्रियों को तथा रोजी रोटी, पढ़ाई, जरूरी कार्यों से रेलों से यात्रा करते थे, उन्हें ट्रेनों में अप डाउन करने की छूट नहीं दी है। ऐसे में प्रतिदिन ट्रेनों से सफर करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अप डाउनर्स एसोसिएशन की मांग है कि साधारण टिकट शुरू किए जाएं तथा मासिक MST से यात्रा करने की छूट प्रदान की जाए, जो कि अभी तक रेलवे विभाग ने नहीं की है। ऐसे में ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हम सभी अप डाउनर्स और रेल यात्रियों की जो रेगुलर रेल यात्रा करते हैं अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, उन सभी की मांग है कि सामान्य ट्रेनें चालू करो, सामान्य टिकट चालू करो और सबसे बड़ी मांग है MST चालू करो, मासिक सीजन टिकट, जो कि पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी के कारण बंद है। और चूँकि कोरोना भी लगभग समाप्ति की ओर है, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, हम लोगों ने सारे नियमों का पालन किया, मोदी जी ने जो कहा हमने सारी उनकी बात मानी, लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग एक मांग कर रहे हैं हमारी MST चालू की जाए, सामान्य ट्रेन टिकट को चालू किया जाए, लेकिन हमारी किसी कहीं से कहीं तक कोई मांग को नहीं सुना गया है। गंज बासोदा विदिशा से कितने लोग अप डाउन करते हैं? गंज बासोदा विदिशा और बीना, यहाँ से लगभग 20 से 25 हज़ार लोग जिनका दैनिक आना जाना भोपाल, विदिशा और बीना की साइड है, जो कि जिनकी रोजी रोटी ही MST पर आधारित है, जो भोपाल जाकर छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, 5 से 8 हज़ार रुपये की नौकरियाँ करते हैं, आज वो मजबूर है प्रतिदिन रिजर्वेशन करा के, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, अपने साधनों से जाकर या फिर वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक क्षति उठाना पड़ रही है, साथ ही परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, जो कि बहुत समस्या हो रही है। इससे पहले किन किन जनप्रतिनिधियों को आपने निवेदन ज्ञापन करा? इसके पहले हम लोगों ने स्थानीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, रेल मंत्री और रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के द्वारा हम लोगों ने DRM महोदय तक अपनी मांगों को पहुँचाया है, लेकिन करीब 3 बार ऐसा ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और ना ही कोई सकारात्मक जवाब हमको मिला है किसी भी तरीके। आप जिन लोगों से आपने निवेदन करा उनके निवेदन पर्याप्त नहीं थे और आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल, हम लोगों को लगता है कि जब हमको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हमको लगता है कि उन लोगों द्वारा कोई भी हम लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है और हमको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज हमने अपनी जो मांग रखी है, MST नहीं तो वोट नहीं, आगे आने वाले चुनावों में हम अपनी इस बात को आगे रखेंगे और अगर हमारी मांगों को तत्काल नहीं सुना गया तो हम अगले आने वाले चुनाव में इसका परिणाम उनको देखने को। अब आखिरी रूप आपका क्या होगा? आखिरी रूप में आज हम लोगों ने कोशिश की है कि एक हमारी मांग को रखें, MST नहीं तो वोट नहीं, और अगर आगे अगर हमारी एक सप्ताह के अंदर बात नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएंगे और जिले स्तर से लेके पूरे जिले में और भोपाल में भी हमारी संघों को मिलकर हम ये आंदोलन और बढ़ाएंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।